क्या देख रही हैं आप जून में, क्या इस बार की लहर का पटाक्षेप हो रहा है? जनवरी में हमने एक शो किया था TV9 पे ही, जिससे कि मैंने ये कहा था कि ये जो लहर है ये अभी थमेगी नहीं। तो कहीं ना कहीं तो आप देख सकते हैं कि अभी जून का जो हम एक अनुमान लगा रहे हैं, तो शनि जो है अभी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं मकर राशि में ही। और शनि अगर हम सैटर्न को देखें तो बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है एंड 29 साल बाद अपनी राशि बदलता है। जब मकर राशि में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो आप देखेंगे दवाइयों के लिहाज से काफी हद तक आपको प्रोग्रेस दिखाई देगी। लेकिन दूसरी बात ये है कि सितंबर ऑनवर्ड, क्योंकि जुपिटर की पोजीशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि सितंबर ऑनवर्ड ये स्थितियां जो है वो थर्ड वेव की तरफ इशारा करती हुई मुझे नजर आ रही है। बिकॉज 14 सितंबर को ये जो जुपिटर है वो एक्वेरस टू कैप्रिकॉन फिर से चले जाएंगे, जिसमें कि आप थर्ड वेव देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं पे ये जो मैंने पहले भी कहा था कि कोविड इज नॉट गोइंग एनीवेयर, कोविड रहेगा तो यहीं पे ही। और दूसरी बात ये है कि जो ये चीजें खत्म होंगी, एक बात बताइए, ये दूसरी लहर के बाद जो अब ये सबसिक्वेंट जो लहरों की बात हो रही है वो इतनी खौफनाक होंगी जो हमने देखा है, या इससे ज्यादा खौफनाक हो सकती है, या अब जो खौफ है खौफनाक सबसे खौफनाक दिन है वो हमने देख लिया ऑलरेडी? देखिए सितंबर में मुझे लगता है कि अभी एक और इसी तरीके का लॉकडाउन जो है नेशन वाइड वो हमें करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि लगभग मैं एग्जैक्टली आपको डेट बता दूं तो नेक्स्ट ईयर लगभग अप्रैल के 14th of April को जब फाइनली जुपिटर जो है वो एक्वेरस पे ट्रांजिट कर जाएंगे और शनि भी अपनी चाल बदलेंगे, उस समय पर काफी हद तक राहत की स्थिति जो है वो नजर आएगी। बिकॉज 2021 में नवरात्रि शुरू हुई थी वो भी समय बहुत अच्छा नहीं था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी सितंबर में एक और ऐसा फेज देखना बाकी है जिसमें कि स्थिति जो है वो और भयावह हो। भावना ये कह रही है कि आसमान में बृहस्पति की चाल और शनि की चाल ये तय करेगी कि कितनी राहत मिलने वाली है कोविड के संदर्भ में। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।